मुरादाबाद में बेसिक स्कूल खुलने के बाद अब बच्चों की हर सुविधाओं को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि पूरे जनपद में बेसिक स्कूलों में निःशुल्क किताबों का वितरण किया जा रहा है और इस काम को करने के लिए सभी शिक्षकों को जिम्मेदारी भी दी गई है। साथ ही बच्चों को COVID-19 गाइडलाइन के पालन करने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, जिसके लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुरादाबाद जनपद के सभी बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क किताबों का वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा किताबों से वंचित ना रहे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का ये कहना है कि मुरादाबाद के सभी विद्यालयों में निःशुल्क किताबों का वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग को 70% पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं और इसका वितरण करने के लिए सभी शिक्षकों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों के पास पुस्तकें पहुंच जाएं, जिससे बच्चे पठन पाठन को लेकर कार्य कर सकें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि स्कूल सरकार के आदेश के बाद खुल चुके हैं, जहां पर COVID-19 गाइडलाइन का पूरा पालन करने के साथ बच्चों को पढ़ाने का काम शिक्षक कर रहे हैं। साथ ही बच्चों की हर समस्या का समाधान करने के लिए भी बेसिक शिक्षा विभाग काम कर रहा है। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी अभिभावक और शिक्षकों से अपील की है कि सभी लोग सुरक्षित रहें और सावधान रहें और शिक्षा के क्षेत्र में सभी को आगे बढ़ाने का काम करें। 23 तारीख से हमारे अपर प्राइमरी स्कूल्स खुल गए हैं और 1 तारीख से हमारे प्राइमरी स्कूल्स खुलने हैं। हम लोगों ने अभी प्रायोरिटी पे जितने हमारे अपर प्राइमरी स्कूल्स थे उसकी किताबों को भेजा है और बच्चों को किताबें वितरित हो रही हैं। लगभग मुझे 75% किताबें जनपद स्तर पर प्राप्त हो गई हैं, उनको मैं शीघ्र से शीघ्र बच्चों के हाथों में पहुँचा रहा हूँ। दूसरा, जो हमारे स्कूल्स खुले थे, जो हमारे विभाग की गाइडलाइंस थी उसके अनुसार हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और बच्चों को जो रेडीनेस प्रोग्राम हमारा एक था, क्योंकि काफ़ी समय बाद बच्चे हमारे स्कूल आ रहे हैं तो वो बच्चों को स्कूल में एडजस्ट करने के लिए एक रेडीनेस प्रोग्राम हमारे विभाग ने चलाया था, उसके तहत कार्रवाई करते हुए बच्चों का लर्निंग लेवल क्या है उसके हिसाब से बच्चों को बाइफर्केट करते हुए पढ़ाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए क्या प्रयास? अभी तक जो स्कूल चलो अभियान, चूँकि आप जान रहे हैं कि अभी भी कोविड महामारी खत्म समाप्त नहीं हुई है, तो इसलिए हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। यद्यपि हमारे एडमिशन 30 सितंबर तक होंगे, लेकिन हम लोग का जैसा कि निर्देश है कि कोई हम लोगों को ऐसी गैदरिंग नहीं करनी है, उपस्थिति 100% हो इसके लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना है, उसको ध्यान में रख के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा अनुरोध यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को स्कूल्स भेजें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है बच्चे थोड़ी सी, यद्यपि हम लोगों ने ई पाठशाला के माध्यम से प्रयास किया था उनको वर्चुअल पढ़ाई कराने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें हम लोगों को 100% सफलता नहीं मिल पाई, तो जो थोड़ी सी हमारी कमी रह गई थी उसमें ई पाठशाला कार्यक्रम में, उसको हम लोग बच्चे अब चूँकि उपस्थित हो रहे हैं तो उसको हम लोग दूर कर पाएंगे। इसलिए हम अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए निश्चित रूप से स्कूल्स को भेजें।